तो पहला स्टेप तो ये है कि डॉक्टर भी एग्जामिन करेगा कि भाई पेनलेस है कि पेनफुल है कि माइल्ड इन्फेक्शन ही है। अगर पेन है तो नॉर्मली इन्फेक्शन के कारण रहता है, और कैंसर जो है वो यूजुअली पेनलेस नोड्यूल जैसा। ये भी लोगों के सवाल हैं कि क्या लेट शादी करने से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चे लेट करने से क्या चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ। ये भी तमाम सवाल हैं। बिल्कुल, बच्चे लेट अगर हों तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फीमेल्स में नहीं होता, मेल्स में भी होता है, तो मेल्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर ब्रेस्ट संबंधी कुछ उनको ऐसा लग रहा है कि निपल्स में कुछ असामान्य दिख रहा है, कुछ फोड़ा टाइप का दिख रहा है या कुछ पेनलेस नोड्यूल दिख रहा है, तो ज़रूर से हमको जांच करानी ही चाहिए, मेल्स में भी करानी चाहिए। कॉमन सिम्टम्स क्या हैं मेल की? मैं महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि आप परिवार की स्तंभ हैं, आप आधार हैं, आप हेल्दी रहेंगी, आप खुश रहेंगी, आप बाहर निकलेंगी, आप जागरूक होंगी, तो आप के माध्यम से पूरा परिवार और पूरे समाज में उसकी एक छाप आप छोड़ पाएंगी। नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। इन दिनों एक कैंसर जो है वो काफ़ी तेज़ी से लोगों के जिक्र में आ रहा है, क्योंकि इसके मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो इसके पहले सालों की रिपोर्ट हो या फिर मौजूदा रिपोर्ट हो। इस कैंसर से जो है लगातार मौतें भी हो रही हैं, और लगातार लोग जो हैं इसे सामने लाने में भी घबराते हैं। मैं बात कर रहा हूं ब्रेस्ट कैंसर की, जिसके मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इससे कई मौतें भी हो रही हैं, और लोग, आप दर्शक भी हमसे कमेंट में पूछते हैं कि आप ब्रेस्ट कैंसर को लेकर डिटेल वीडियो बनाइए, ब्रेस्ट कैंसर होता कैसे है, ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या है। तमाम सवाल जो आप लोगों के हैं वो सभी सवालों के जवाब लेने के लिए हम पहुँच चुके हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मैम के साथ में, मानसी मैडम के साथ में। मैडम नमस्कार। जो मेरा सवाल है वो दर्शकों का सवाल है कि जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, रीज़न क्या है मैम? रीज़न ये है कि हम लोग ऐसे आधुनिक युग में जी रहे हैं जिसमें इतने प्रिजर्वेटिव्स, इतने केमिकल्स खाने में आ रहे हैं। एक तो ब्रेस्ट का फैमिलियल टेंडेंसी भी जेनेटिक अनुवांशिक रहता है कि फैमिली में, तो महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि हमारी फैमिली में ऐसे कुछ कैंसर से रिलेटेड महिलाओं को था क्या, जो कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में ज़्यादा डिसेंड होता है। दूसरा, कभी कभी जैसे हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ईस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन्स है, तो असंतुलित व्यवहार होना दो हार्मोन्स का, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नाम के जो दो हार्मोन्स होते हैं उनका बिगड़ा हुआ संतुलन होने के कारण से भी कैंसर बढ़ा हुआ पाया जा रहा है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स 35 साल की उम्र के बाद भी महिलाएँ जैसे ज़्यादा यूज़ करती हैं तो भी पाया जाता है। तीसरा, ब्रेस्ट फीडिंग आजकल बहुत लोग नहीं कराते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग एक प्रोटेक्शन देता है ब्रेस्ट कैंसर की तरफ, तो ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से करानी चाहिए, और WHO का कहना है कि 2 साल तक कराना ही चाहिए। तो आपके जितने बर्थ ऑर्डर बढ़ते हैं, एटलीस्ट 2 बच्चे हों और ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से हो, तो महिलाएं सुरक्षित रहती हैं ब्रेस्ट कैंसर से। तीसरा, जो रजोनिवृत्ति होती है, मेनोपॉज होता है महिलाओं में, तो एक ईस्ट्रोजन हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, तो अगर वो ज़्यादा मात्रा में महिलाएं लेती हैं, और कई बार क्या होता है कि बिना परामर्श के, डॉक्टरी परामर्श के ही क्रीम्स और टैबलेट्स ले लेते हैं बिना डॉक्टर के गाइडेंस के, हाँ, तो भी ये देखा जा रहा है। और चौथी बात ये कि बहुत सारी जीवन शैली जो है बहुत ख़राब हो गई है। सुबह हम जल्दी नहीं उठ रहे, रात को हम लेट सो रहे हैं और सुबह लेट उठ रहे हैं, और बहुत सारे रेडिएशंस आजकल देखने में आ रहे हैं लैपटॉप से, मोबाइल से। फिज़िकल एक्टिविटी आपकी जीवन शैली में बिल्कुल फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, बैठे बैठे सारे काम हैं, और आपका आहार बिल्कुल ठीक नहीं है, समय पे नहीं है। आपको जैसे अपन नॉर्मली इम्पोर्टेड चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, और जो आपकी लोकल चीज़ें हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स से भरी हुई हैं, वो उनको हम कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात, क्योंकि स्क्रीनिंग अच्छे से होने लग गई है, डायग्नोसिस अच्छे से जल्दी जल्दी बन जाते हैं क्योंकि इतनी मशीन्स अपने पास आ गई हैं, तो डायग्नोसिस भी बनने लग गए हैं, वो भी एक कारण है। मैम, ये भी लोगों के सवाल हैं कि क्या लेट शादी करने से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चे लेट करने से क्या चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ। ये भी तमाम सवाल हैं। बिल्कुल, बच्चे लेट अगर हों तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं, और क्योंकि फीडिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाता है, और पूरी प्रेगनेंसी में भी लेट एज में बहुत सारी तकलीफें आती हैं। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि 22 से 28 29 साल तक नॉर्मल एज है प्रेगनेंसी की, रिप्रोडक्टिव एज है, तो उसके ऊपर आने से बहुत सारी प्रेगनेंसी में भी तकलीफें आती हैं, लैक्टेशन में भी तकलीफें आती हैं, और स्वाभाविक है कि ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उम्र के साथ में 40 के बाद में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ ही जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि महिलाएं, छोटी सी गांठ अगर है और उसमें पेन नहीं है, तो वो नॉर्मली डॉक्टर्स को नहीं दिखाती हैं।
हम पेन जिसमें होता है उसमें हम लोग तकलीफ पाते हैं और पेन हो रहा है करके जल्दी से आती हैं। जहां तकलीफ है तभी डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ, और जबकि कैंसर में इसका उल्टा है, जब पेन होता है, नॉर्मली कैंसर जो है वो पेनलेस होता है, जो गिठान छोटी सी भी है और उसमें पेन नहीं है तो उसको ज़रूर से हम जागरूक होकर के बिल्कुल दिखाना है। तो ये जागरूकता महिलाओं में पैदा करनी हमको ज़रूरी है। शहर में अभी क्योंकि मोबाइल यूज़ करती हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोग अब जागरूक हो रहे हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में महिलाएं अभी भी इसके लिए जागरूकता नहीं है कि हमको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन नाम की एक चीज़ होती है जो हर महीने आप ऑपोजिट हैंड से, फ्लैट ऑफ द हैंड से, अगर आपको चारों क्वाड्रेंट में ब्रेस्ट को चार हिस्सों में बांटा जाए और जो आपका फ्लैट ऑफ द हैंड है उसको आप क्लॉकवाइज घुमा के देखें, तो आपको अगर कुछ गिठान फील हो रही है तो डॉक्टर को जाके दिखाना है। तो हम एक मैमोग्राफी नाम की चीज़ होती है, एक एक्सरे होता है दोनों ब्रेस्ट का, उसके अलावा एक सोनोमेमोग्राम होता है जो कि सोनोग्राफी होती है ब्रेस्ट की। तो ये दोनों चीज़ों से हम कर पाते हैं कि भाई इसमें कुछ गिठान है क्या। उसके बाद और प्रोसीजर्स होते हैं FNAC। हाँ, तो पहला स्टेप तो ये है कि डॉक्टर भी एग्जामिन करेगा कि भाई पेनलेस है कि पेनफुल है कि माइल्ड इन्फेक्शन ही है। अगर पेन है तो नॉर्मली इन्फेक्शन के कारण रहता है, और कैंसर जो है वो यूजुअली पेनलेस नोड्यूल जैसा कई बार ब्रेस्ट में ना हो करके आर्म पिट में रहता है, एक्जिला में, मतलब ये बगल में रहता है। तो बगल में भी रहने से अगर है तो महिलाएं नहीं आती हैं, और ये वो नहीं सोच पाती हैं कि ये ब्रेस्ट का कैंसर हो सकता है। तो कई बार क्या होता है कि ब्रेस्ट में सेकेंडरीज भी आती हैं, कहीं और कैंसर है और सेकेंडरी आपको आई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो महिलाओं को जागरूक हमको करना है कि छोटी भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको आके मिलना है। जैसे दो निप्पल्स अगर हैं ब्रेस्ट के और आपको असमान दिख रहा है, श्रिंक हो रहा है, जैसे संतरे के छिलके में जैसे छोटे छोटे छेदे होते हैं वैसा कुछ स्किन में आ रहा है, या फिर मतलब पकरिंग दिख रही है, या फिर आपको कहीं लालपन दिख रहा है, या फिर कोई पेनलेस नोड्यूल दिख रहा है, या ब्रेस्ट दोनों असमान टाइप के दिख रहे हैं, एक श्रिंक हो रहा है या बड़ा दिख रहा है, तो ऐसी कोई असमानता दिख रही है तो ज़रूर से आ करके चेकअप कराना चाहिए। सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या है कि अगर जब महिलाएं अपने आप में परीक्षण करें, खुद पे चेकअप करें, तो सबसे पहला चीज़ जो सिम्टम दिखते हैं, कॉमन सिम्टम है जिसके पास डॉक्टर के पास आना चाहिए, वो सिम्टम्स होते हैं। नॉर्मली महिलाएं क्या होता है, मेंसेस आने के पहले कभी कभी हैवीनेस ऑफ ब्रेस्ट होता है, तो ये नॉर्मल प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं इसको हम। तो महिलाएं 30-35 की उम्र में डर से इसके लिए भी आती हैं कि हमको थोड़ा हैवी लग रहा है या ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, जो कि नॉर्मली प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम रहता है। कभी कभी कुछ गिठान के कारण भी छोटी बच्चियां भी आती हैं, 15 साल की उम्र की, 15 से ऊपर की उम्र की भी बच्चियाँ आती हैं, जो कि 30 साल के नीचे हम लोग नॉर्मली कैंसर नहीं होगा ऐसा बता के चलते हैं, जो कि 40 साल के ऊपर कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है ऐसा बता के चलते हैं। और रेगुलर सोनोमेमोग्राम्स कराना है कि भाई कोई चीज़ बड़ी हो रही है या पेनफुल हो रही है तो हमारे पास तुरंत चेकअप के लिए आना है। ये चीज़ें रहती हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है मैम, चीज़ें डेवलप हो रही, चीज़ें एडवांस हो रही हैं, क्या यही ये भी एक रीज़न है जैसा आप बता रहे हैं? देखिए, अर्बनाइजेशन हो रहा है तो जो केमिकल और जो प्रिजर्वेटिव्स हम खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कार्सिनोजेनिक होते हैं, तो कैंसर को प्रोड्यूस करने वाले। ऐसा नहीं है कि कैंसर सेल्स हमारे हेल्दी, जिनको कैंसर नहीं है उनके शरीर में नहीं बन रहे हैं। एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है आपका, जिसमें कैंसर मतलब एबनॉर्मल सेल जो कि असामान्य तरीके से ग्रोथ हो रहा है। तो जब कोई असामान्य सेल बनता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको तुरंत मार गिराता है। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम कम है, वही जीवन शैली अगर आपकी अच्छी नहीं है, इम्यूनिटी आपकी लो हो रही है, हम बाहर का उटपटांग खा रहे हैं और हम बहुत स्ट्रेस में हैं, और हम खाना अच्छा भी खाएं और हम बहुत स्ट्रेस में हैं तो वो आपको लगता नहीं, आपके शरीर को नहीं लगता, तो नेचुरली आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बैलेंस होना चाहिए। तो आपकी इम्यून सिस्टम ख़राब होने से कैंसर आगे बढ़ जाता है, जीत जाता है। तो हमको लोगों को यही जागरूक करना है कि भाई कैंसर से आपको लड़ना है, आपको इम्यूनिटी बूस्ट करनी है अपनी, ताकि आप खुश रहें, खुश रहेंगे तो आप लड़ भी पाएंगे चीज़ों से और आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। अच्छा खाना खाइए, कोशिश करिए कि इन्फेक्शन से बचिए, और जीवन शैली अपनी बहुत बढ़िया रखिए। फिर तो जिसकी किस्मत में जो अगर कुछ फैमिलियल चल रहा है तो उससे अपने को लड़ना ही है, पर हम कितने अच्छे से लड़ाई कर सकते हैं। तो कैंसर से डरना नहीं है, आजकल इतने अच्छे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ आ गए हैं, तो
जैसे अब पूरा ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, छोटी सी गिठान निकाल के भी काम आराम से हो जाता है। प्राइमरी प्रिवेंशन हम कोशिश करते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन तब करना पड़ता है कि जब डायग्नोज हो गया तो हम कैसे बेस्ट पॉसिबल उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि पूरा ब्रेस्ट ना निकालना पड़े, कीमोथेरेपी ना करनी पड़े पेशेंट की। बिल्कुल, मेरा आखिरी सवाल का जवाब आपने ऑलरेडी दे दिया है कि जो महिलाएं आपको देख रही हैं, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको मोटिवेट करें कि घर से निकल कर बाहर आए। फिर भी अगर कुछ शब्द बच रहे हो तो आखिरी में आप दर्शकों को बता सकते हैं जो इस परेशानियों से गुजर रहे हैं बट निकल कर सामने गायनों के पास नहीं आ रही है। मैं महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि आप परिवार की स्तंभ हैं, आप आधार हैं, आप हेल्दी रहेंगी, आप खुश रहेंगी, आप बाहर निकलेंगी, आप जागरूक होंगी तो आप के माध्यम से पूरा परिवार और पूरे समाज में उसकी एक छाप आप छोड़ पाएंगी। आपके बच्चे जागरूक होंगे, आप जब डॉक्टर के पास जाएंगी तो आप कई चीज़ें बच्चों के लिए भी सीख पाएंगी कि मुझे क्या क्या करना है। जैसे आजकल बच्चेदानी के कैंसर का वैक्सीन आ गया, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का वैक्सीन आ गया तो वो 9 साल से 14 साल की बच्चियों को आजकल बिल्कुल लगाना है, ऐसा गवर्नमेंट द्वारा बता दिया गया है कि बिल्कुल लगाना है। तो आपको जब पता चलेगा आप अपने बच्चियों के लिए भी जागरूक होंगी और उनको भी जागरूक करेंगी। तो डॉक्टर के पास कभी कभी बिना कंप्लेन के भी साल में एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए कि आपको कोई तकलीफ हो चाहे नहीं हो। और छोटी बच्चियों के लिए, और देखिए एडोलेसेंट एज ग्रुप में भी बच्चियों को तकलीफ होती है, उसके लिए भी अपनी बच्चियों को नकारना नहीं चाहिए कि हम ये तो नॉर्मल चीज़ है, मेंसिस नॉर्मल चीज़ है, डॉक्टर से मिलने की नीड नहीं है, हमको भी होता था। अगर बच्ची परेशान है तो बिल्कुल उसको हमको ध्यान देना चाहिए। कई बार प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, जैसे पहले प्री मैरिटल काउंसलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी, आजकल शादी के पहले बच्चियां आती हैं और उनको जानकारी, मेरे को कॉन्ट्रासेप्शन कैसे यूज़ करना है, मुझे अगर प्रेगनेंसी करनी होगी तो मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है हर चीज़ हम उसको अच्छे वे में ले, और हमेशा प्राइमरी प्रिवेंशन बेटर होता है। जब कोई तकलीफ हो जाए उससे निदान करने से बेहतर है कि आप इसको होने ना दें उस पर। हाँ, तो हमको अपने बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाना है कि हमको क्या करना है। बिल्कुल मैम, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर से मौतें लगातार हो रही हैं तो किस हद तक ट्रीटेबल है मैम, मतलब कौन से स्टेज तक की है? देखिए नॉर्मली अगर रूरल एरिया से नहीं है महिलाएं, क्योंकि रूरल एरिया वाली महिलाएं तो जब तक अल्सर नहीं हो जाए, ब्लीडिंग चालू नहीं हो जाए तब तक नहीं आती हैं, पर अर्बन एरियाज़ में थोड़ा भी अगर गुठली दिखती है तो महिलाएं बिल्कुल आजकल जागरूक हो गई हैं, आती हैं। तो नॉर्मली स्टेज 1 और स्टेज 2 तक ही अर्बन एरियाज़ में डिटेक्ट हो जाता है, और मैस्टेक्टमी से ही काम चल जाता है, वो भी पूरी मैस्टेक्टमी नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ एक्सीजन नोड्यूल का ही एक्सीजन करना पड़ता है। पूरी ब्रेस्ट बहुत कम जो रूरल एरियाज से पेशेंट आते हैं उन्हीं का होता है, जो बिल्कुल जागरूक नहीं है और नहीं ही जाना चाहती हैं डॉक्टर के पास, तो उन्हीं का स्टेज 2 के ऊपर जाता है। सारा जो बात है वो डिले का है, डिले का है। हाँ, आप जितना जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे उतना जल्दी आपका कैंसर जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। खाली आपको स्क्रीनिंग, ईयरली स्क्रीनिंग करानी पड़ती है कि भाई रीग्रोथ तो नहीं हो रहा है, वो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। डॉक्टर मानसी गुलाटी मैडम हमारे साथ में थी, जो लगातार आप भिलाई टाइम में मैडम को भी देखते होंगे, अलग अलग चीज़ों को लेकर हम आपके पास तक मैम को लेकर आते हैं, जो आप लोगों के सवाल होते हैं वो आप तक लेकर आते हैं। इस समस्या को लेकर जो आपके सवाल होंगे आप और कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी डिटेल वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे और भी अगर समस्याओं से रिलेटेड वीडियो जो बनानी है मैम से। एक चीज़ और मैं बताना चाह रही थी कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फीमेल्स में नहीं होता, मेल्स में भी होता है, तो मेल्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर ब्रेस्ट संबंधी कुछ उनको ऐसा लग रहा है कि निपल्स में कुछ असामान्य दिख रहा है, कुछ फोड़ा टाइप का दिख रहा है या कुछ पेनलेस नोड्यूल दिख रहा है, तो ज़रूर से हमको जांच करानी ही चाहिए, मेल्स में भी करानी चाहिए। कॉमन सिम्टम्स क्या है मैम मेल के? मसा टाइप का कुछ दिख रहा है या कुछ श्रिंक हो रहा है निपल, या कुछ दोनों में असमानता दिख रही है, तो जब आप शीशे पे देख रहे हैं और दिख रहा है ऐसा कुछ तो आप ज़रूर से डॉक्टर से मिलना चाहिए। मेल में भी पेनफुल कंडीशन आते हैं? नॉर्मली पेनफुल हम मान के चलते हैं कि इन्फेक्शन रहता है 80%। कैंसर जो है नॉर्मली पेनलेस गिठान टाइप की ही आती है पहले। हाँ ठीक है, बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिएगा भिलाई टाइम के चैनल में। बाकी मैम से मुलाकात करनी है मैम से, और अगर आपको जानना है चीज़ों को तो आप नीचे डिटेल में आप मैम का नंबर आप देख सकते हैं, मैम से संपर्क कर सकते हैं क्लिनिक के नंबर में। बाकी और अपडेट के लिए बने रहिएगा भिलाई टाइम के चैनल के साथ में।